सुबह से हंगामा हो रहा है बहराइच में। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद आज सुबह लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी है। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी सीधे बहराइच से इस वक्त जुड़ रहे हैं। विपिन, एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि हिंसा हुई है, उन पर पुलिस हमलावर है। आगे बढ़िए, लगातार डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाला हुआ है और अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोग हालात को काबू में रखिए। ये इस वक्त वृंदा शुक्ला एसपी हैं बहराइच की, कल से मोर्चा संभाले हुए हैं और इनकी अगुवाई में इस वक्त पुलिस आगे बढ़ रही है और हिंसक भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है, हिंसा की है, शोरूम्स में आग लगाया गया है, दुकानों में लूट की गई है और उसके बाद पुलिस ने सख्ती की है और उस सख्ती के दौरान अब पुलिस आगे बढ़ रही है और हिंसाग्रस्त भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही है। मजबूरन पुलिस को टीयर गैस चलाना पड़ा है, जिसके बाद अब हालात थोड़े काबू में नजर आ रहे हैं और सुबह से मनाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ है कि मानने को तैयार नहीं है। हिंसाग्रस्त इलाके में कल जहां पर हिंसा हुई है उस इलाके में भीड़ पहुंची है और उसके बाद गाड़ियों में आग लगाई गई, शोरूम्स में आग लगाई गई, दुकानों में लूट की गई और समझाने के बावजूद जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी है। और अब सड़कों पर तमाम अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है और लाठीचार्ज किया गया है, टीयर गैस छोड़ा गया है और उसके बाद भीड़ थोड़ी काबू में नजर आ रही है। खेतों में भीड़ भागती हुई नजर आ रही है और आगे की तरफ पुलिस अधिकारी बढ़ रहे हैं। समझाने मनाने के दौरान जब बात नहीं बनी तो सख्ती की गई है और अब एसपी वृंदा शुक्ला और डीएम मोनिका रानी इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार एक्शन लेने के निर्देश वो दे रही हैं। मैम, पहले बहुत समझाने की कोशिश की गई, भीड़ नहीं मानी, अब एक्शन में पुलिस को आना पड़ा। चलिए, तो चूंकि हालात बहुत खराब हैं और इसलिए मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन स्थिति बहुत भयावह नजर आ रही है और इस भयावह स्थिति में पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। और आप समझिए, मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब देखिए जैसे ही कोई भीड़ मिल रहा है पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये देखिए इस तरह, क्योंकि इसी भीड़ में ऐसे लोगों ने हिंसा करी है और एक शख्स को पुलिस पिटाई कर रही है। ये उस पिटाई के विजुअल्स हैं और देखिए हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़िए, इस तरफ देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एसपी वृंदा शुक्ला मौके पर मोर्चा संभाली हुई और पुलिस को लगातार निर्देश दे रही है और भीड़ को बहुत हद तक सुबह से, मैं लगभग 9 बजे से ये देख रहा हूँ, भीड़ को समझाने और मनाने की कोशिश की जा रही थी। कल से सरकार ने कहा है कि एक्शन लेना है, लेकिन उनके खिलाफ कल जिन्होंने हिंसा की है, लेकिन जो पुलिस का एक्शन हुआ, कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई, सस्पेंशन किया गया और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भीड़ मानने को तैयार नहीं थी और तरह तरह की मांगे कर रही थी। शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है और हजारों की तादाद में भीड़ सड़कों पर उतर गई है। पीएससी को आगे किया गया है, टीयर गैस लिए जो पुलिसकर्मी हैं उनको आगे किया गया है और लाठीचार्ज करके भीड़ को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और एक वक्त हालात ऐसा भी आया जब ये भीड़ दुकानों और शोरूम में आग लगाने के बाद, लूट करने के बाद मीडिया पर ही हमलावर हो गई। कई मीडिया कर्मियों को उस पर चोटें आई हैं और बड़ी तादाद में अब पुलिस को वो एक्शन लेना पड़ा है जिसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आरोप भी लग रहा था कि इतनी बड़ी हिंसा पर पुलिस मूक दर्शक बनकर कैसे रह सकती है। तो बहराइच को, महाराजगंज को बचाने के लिए एक्शन में आना पड़ा है। और अब देखिए, ये तहसील है, ये महाराजगंज की तस्वीर, तहसील है और इसी तहसील में शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था और अब देखिए वो लोग भीड़ भाग रही है। पुलिस की गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी और अब भीड़ भाग रही है। और सामने की तरफ जरा सुभाष दिखाएंगे, ये हरदी थाना है जहां के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है और इस हरदी थाने के बाहर सुबह से प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चल रहा है। और अब देखिए जैसे जैसे पुलिस और पीएससी ने मोर्चा संभाला है, एसपी वृंदा शुक्ला लगातार अनाउंसमेंट करते हुए आगे बढ़ रही हैं, उसके बाद अब भीड़ वापस गांव की तरफ रुक कर चुकी है, लेकिन भीड़ को समझाने मनाने के बावजूद बहुत कुछ असर नहीं पड़ा। उसके बाद सख्त एक्शन और उसके बाद अब हालात थोड़े बहराइच के महाराजगंज में काबू होते नजर आ रहे हैं। ये हरदी थाना है, यहाँ से महज 500 मीटर दूर कल हिंसा हुई थी, पहले से ये इनपुट था कि ये सेंसिटिव जोन है और इस जोन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आरोप लग रहा है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई जिसकी वजह से हिंसा हुई, कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। उसके बाद एक्शन में सरकार आई है, कल रात मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस पूरे मामले में एक्शन हुआ है और कई लोगों के सस्पेंशन के बाद अब सख्त एक्शन लेने के कार्रवाई और निर्देश दोनों जारी कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश।
तो विपिन हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त, मौका है घटना पर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, पूरे दलबल के साथ पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे थे विपिन, लेकिन बातचीत अभी फिलहाल पुलिस नहीं कर रही, लेकिन आगजनी की गई है, कई साइकिल्स को इस तरह से फूंक दिया गया है, कई दुकानों में आग लगा दी गई है, और बहराइच में हालात बता रहे हैं विपिन चौबे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं विपिन की ही कि किस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की गई, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं बहराइच के महाराजगंज इलाके में हूँ और देखिए रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद कल जहाँ पर हिंसा हुई थी वहाँ पर हालात कितने ज्यादा बेकाबू हैं, और इस बेकाबू हालात में देखिए आग लगा दी गई है गाड़ियों में, दुकानों में लूट की गई है। मैं कैमरा पर्सन सुभाष से कहूंगा दर्रा आ गया है और इस तस्वीरें दिखाए, और ये तस्वीरें देखिए दुकानों में पुलिस के सामने इतनी बड़ी तादाद में पुलिस है, दुकानों को पलट दिया गया है, घरों में घुस गए हैं लोग, गाड़ियों में आग लगा दिए हैं, और ये देखिए कैसे इन दुकानों में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ये देखिए ये हीरो का एक शोरूम है, उसमें आग लगाया गया, इन दुकानों में आग लगाया गया, सड़कों पर आग लगा दी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी इस वक्त यहां पर जमा है। एक बार इस आग की तस्वीर दिखाइए सुभाष, कैसे हालात खराब हो रहे हैं, और इन खराब हालात के बीच में एक बार फिर से आगजनी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आगजनी की गई है वो पुलिस की मौजूदगी में की गई है, और आग लगाया गया है। दुकानों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये इन दुकानों की तस्वीर है, और विशेष तौर पर एक समुदाय विशेष की दुकानों को निशाना बनाया गया, और आप देखिए ये दवाई की दुकान है, ये मेडिकल स्टोर है, और मेडिकल स्टोर में आग लगा दी गई है, और यहाँ पर डॉक्टर के बैठने की जगह थी उस जगह पर आग लगाया गया, कुर्सियों में देखिए आग लगा दी गई है, इस दुकानों में जहां डॉक्टर को बैठा था वहां आग लगा दी गई है, और उसके बाद सड़कों पर देखिए यहां पर आगजनी की गई है। इस तरफ दिखाइए जरा, इस तरफ आगजनी की गई है, सड़कों पर लोग आगजनी करके विरोध कर रहे हैं, हालांकि इतना जरूर हुआ है कि पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर उस तरफ कर दिया है, और यहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ। पुलिस कितनी बड़ी तादाद में है वो देखिए, और ये एक मोटर बाइक का शोरूम है, वहां पर देखिए आग लगाने की कोशिश की गई है, इसके अंदर देखिए कई बाइकें रखी गई थी उसमें आग लगाई दी गई है। ये शटर था, आओ आओ इधर आओ सुभाष इधर आओ, और अब देखिए अब भीड़ मीडिया पर ही, अब मीडिया पर ही भीड़ हमलावर हो रही है, और तो विपिन चौबे की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई किस तरह से भीड़ हमलावर हो रही थी और लाठी डंडे लेकर पहुंची हुई थी, लोग बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों ने बाइक के शोरूम में आग कैसे लगाई और कैसे धू धू कर जली बाइक, हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट दिखाएं। लेकिन इससे पहले विपिन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं बहराइच से ही, जहां पर हिंसा हुई और कुछ SP कह रही है वहां पर। तो SP और DM ने मोर्चा संभाल लिया है बहराइच में, हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले की रिपोर्ट आपको विपिन की दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले जो उग्र भीड़ है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, और अब देखिए बाइक के एक शोरूम में आग लगा दी गई है, और पहले नीचे की तरफ जो गाड़ियां हैं उसमें आग लगाया गया है, और उसके बाद आप देखेंगे इन गाड़ियों में देखिए कैसे आग लगाया गया है, और इसके बाद शोरूम के अंदर घुस गए लोग, और शोरूम के अंदर घुसकर आग लगाया गया है, पूरे शोरूम में आग लगा हुआ है, और दर्जनों की तादाद में जो मोटर बाइक्स हैं वो यहाँ पर रखी थी वो जल गई हैं। आपको उस हम बाइक के शोरूम के अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं, और नई नई गाड़ियां यहां पर रखी हुई हैं, और उन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष थोड़ा केयरफुल होकर आइएगा, और इस तरफ देखिए हालांकि अंदर काला धुआं उठ रहा है, नई गाड़ियां आपको नजर आएंगी, ये ब्रांड न्यू वो गाड़ियां हैं जो सेल के लिए यहां रखी गई थी, लेकिन उन गाड़ियों में आग लगा दी गई है, पहले शटर को खोला गया है, और अब हिंसक भीड़ ने यहां पर आगजनी की है। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, और आप समझ सकते हैं कि इस शोरूम में आग लगाने का मकसद यही है। एजेंसी है कृष्णा एंड कंपनी है, अनूप शुक्ला सिकंदरपुर की एजेंसी है, यहाँ पर स्टाफ पूरा मुसलमानों का रहता है, उन्होंने ही आग लगाई हो है, और इसके बाद वो निकल लिए हैं, और ताकि दो, और आप समझ सकते हैं देखिए यहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हीरो मोटरबाइक की एजेंसी है, और उस एजेंसी पर यहाँ पर आग लगाई गई है, लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं।
तो उपद्रवियों के भीड़ बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। विपिन दिखा रहे थे एक नया बाइक शोरूम जो आग के हवाले कर दिया, कई बाइक्स में आग लगा दी गई, कई बाइक्स को फूंक दिया गया। विपिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, हम देख रहे थे कुछ देर पहले एसपी और डीएम कुछ कह रहे थे, वहां पर कैसे हालात को काबू करने की कोशिश हो रही है? देखिए, जिस एक्शन की रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मॉर्निंग थी, उस एक्शन की रिक्वायरमेंट के बाद अब एक्शन लिया गया है। आप देखिए, ये तमाम सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिनकी गाड़ियां यहां पर नजर आ रही है। अब उस पूरे इलाके में मार्च करने के लिए कहा गया है और पुलिस को यह समझाया और बताया गया कि एक्शन लेना होगा। इस तरह से हीला हवाली बरती गई तो महाराजगंज जल उठेगा, जैसा सुबह से हो रहा है। अब पूरे इलाके में मार्च करने के लिए कहा गया है और मैं उन तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हूँ, बीच में हूँ। और ये वो अधिकारियों की गाड़ियां हैं जो अब उस इलाके में निकल रही है जहां जहां पर हिंसा हुई है या जहां जहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है। एसपी विंदा शुक्ला ने थोड़ी देर पहले कैमरों के सामने ये माना कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस जिनके हाथों में ईंटे हैं उनसे डर नहीं सकती, आपके हाथों में बंदूक है, एक्शन लीजिए और हिंसा को काबू करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये पीएसी के जवान है, इनको बसों में बैठने के ऑर्डर दिए गए हैं और ये उन इलाकों में अब जाएंगे जहां पर लोग खड़े हैं, लोग हिंसा कर रहे हैं। और इन गाड़ियों में तमाम ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस गाड़ी में डीएम और एसपी मौजूद है जो अब उन हिंसाग्रस्त इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा है। शव का अंतिम संस्कार कराना प्रायोरिटी है, भीड़ को समझाना प्रायोरिटी है और लोगों को काबू में करना। मैम, कुछ बात करेंगी कैसे हालात है, क्या जा रहे हैं, जल्दी कंट्रोल हो जाए। मैम, वृंदा मैम, आपने अनाउंसमेंट कई सारी की है, पुलिस का रिस्पांस टाइम कैसा रहा, कैसे कंट्रोल हुआ, कैसे तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं? तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं। सुबह बहुत एक्शन के मूड में पुलिस नहीं नजर आई मैम, कर रहे ठीक है। ये देखिए, दो महिला अधिकारी जिसमें वृंदा शुक्ला जो एसपी है बहराइच की, वो गाड़ी में मौजूद थी। इसके अलावा डीएम यहाँ पर थी और कमिश्नर सर हमारे साथ हैं, शशिभूषण सर। सर, आपने भी कल रात से मोर्चा संभाला हुआ, क्या हालात है यहाँ पर, क्या देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, अधिकारी बोलने के मूड में नहीं क्योंकि वक्त बहुत कम है और हालात को काबू में करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। और देखिए गाड़ियों का काफिला, देखिए मेरे कैमरा पर्सन सुभाष लगातार आगे बढ़िए जरा, और देखिए गाड़ियों का काफिला, देखिए यहां से लेकर जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक अधिकारियों की गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां सुबह से यहां पर लगी हुई हैं लेकिन हालात को काबू में नहीं कर पा रही थी। अब जब टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, भीड़ को काबू में कर लिया गया है तो हिंसाग्रस्त इलाकों में दौरा किया जा रहा। अभी भी आसमान में आपको काला धुआं नजर आएगा और ये तमाम गाड़ियां उन इलाकों की तरफ अब आगे बढ़ रही हैं जहां पर हिंसा हुई है और लोगों को समझाने मनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि कल हिंसा हुई तो हुई क्यों, पुलिस ने मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए, उन्हें डीजे बजाने से क्यों रखा गया और उनके शख्स को गोली क्यों मारी गई। 20-20 राउंड फायर किए गए हैं इस इलाके में, खासकर ये सेंसिटिव जोन था वो इंतजाम नहीं किया गया, इसीलिए पुलिस पर एक्शन लिया गया है। 5 से 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात से ही घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार वहां से निर्देश आ रहे हैं और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था का पालन कराने के बीच में जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये आपको हम हरदी थाने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तमाम पुलिस ऑफिशियल्स हैं। यही थाने के अंतर्गत महाराजगंज का वो इलाका आता है कल जहां पर हिंसा हुई थी और मूर्ति विसर्जन के दौरान जब लोग जुलूस लेकर निकल रहे थे उस जुलूस पर पथराव का आरोप है। पथराव के बाद भीड़ हिंसक हुई है, कहा सुनी हुई है, गोलीबारी हुई है, एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल है और अब थाने को फिलहाल घेरा गया है, पुलिसकर्मी यहां पर घेरा बनाकर है, कई पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी हुआ है लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। और इस चिंताजनक हालात के बीच में भीड़ को काबू करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये भी है कि महाराजगंज का वो इलाका कल रात से जो सुलग रहा था उसको काबू में किया जाए, वहां पर हिंसा ना होने दी जाए। लेकिन सुबह 10 बजे के बाद से जब हालात बिगड़े हैं तो इस समय महाराजगंज के उस इलाके में कल रात जहां पर गोलीबारी हुई थी वहां आगजनी की घटना हुई है, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, लूट जैसी घटना को अंजाम दिया गया है और तो और बाइक के शोरूम में, मेडिकल स्टोर्स में आग लगा दी गई है और काला धुआं दिखता हुआ उसकी निशानी भी है कि बहराइच फिलहाल जल रहा है, सुलग रहा है और काबू में करने की स्थिति को कोशिश की जा रही है। बिल्कुल विपिन, तस्वीरें लगातार आप भेज रहे हैं और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है बहराइच के हालात को काबू में करना। आपने जो तस्वीरें भेजी वो एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं बहराइच में किस तरह का तनाव इस वक्त है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान आगजनी की गई है, दुकानों के बाहर आगजनी की गई है, मांगे की जा रही है, शव का अंतिम संस्कार होने नहीं दिया जा रहा है, ई रिक्शा में आग लगा दी गई उपद्रवियों की तरफ से, हिंसक भीड़ ने कार में भी आग लगा दी, प्रदर्शनकारियों ने बाइक शोरूम को फूंक दिया।
किया। अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर में भी आग लगा दी। ये भीड़ बेकाबू होती जा रही है उपद्रवियों की, और जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं, पूरे दलबल के साथ पुलिस तो मौजूद है लेकिन हालात पूरी तरह से काबू नहीं हो पाए हैं। हिंसा की तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। और टीवी 9 से बोली बहराइच की SP वृंदा शुक्ला, हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। कुछ देर पहले बातचीत की विपिन चौबे ने, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। और SP का क्या कुछ कहना है, कैसे शांत कराया जा रहा है पूरे माहौल को, आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कल मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल के बाद बहराइच में अभी क्या हालात हैं, कुछ देर पहले की रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे की। ये वो इलाका है महाराजगंज इलाके का, बहराइच के हरदी थाने का वो इलाका है जहां पर कल हिंसा हुई थी, और उस हिंसा के बाद लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और देखिए कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा है, सबके हाथों में लाठी डंडे हैं और सभी लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है। हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। और लोग अपना गुस्सा इन खड़ी गाड़ियों पर उतार रहे हैं क्योंकि लोग कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। कल रात में हिंसा के बाद और एक शख्स के मौत के बाद लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। DMSP ने मौके पर मोर्चा संभाला है, परिजनों को समझाया जा रहा है, भीड़ को समझाया जा रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग उस इलाके में कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कल जहां पर हिंसा की गई थी। और देखिए सबके चेहरों पर नाराजगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये महाराजगंज का वो इलाका है कल जहां पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद पथराव होता है, पथराव के बाद गोली चलाई जाती है और उसमें एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसको लेकर ग्रामीण बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो हालात अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुए बहराइच में, और इस उपद्रव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर इस वक्त मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे के एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिन्होंने हालात का जायजा लिया। बहराइच के बिगड़ते हालात के बीच एक बार देखिए पूरा महाराजगंज इलाका झुलस रहा है। पूरा आसमान आपको काले धुएं से नजर आएगा। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार चार पांच पांच जगह पर आगजनी की गई है और काले धुएं से पूरा आसमान इस वक्त आपको भरा हुआ नजर आएगा। स्थिति को सामान्य करने के लिए अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है, कमिश्नर, DM, SP, DIG, ADG ने कल रात से कैंप किए हुए हैं, लेकिन लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए देखिए PSC के बल को बुलाया गया है, दो तीन ट्रक यहाँ से देखिए, और भीड़ इस तरफ आ रही है, और देखिए PSC ने मोर्चा संभाला हुआ है और भीड़ एक बार फिर से हमलावर हो रही है। भागते हुए ये तस्वीरें आप देखिए, अब देखिए PSC आ गई है, बड़ी तादाद में PSC यहां पर आई है। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है, और देखिए PSC के जवानों के आने के बाद भगदड़ जैसा माहौल है, भीड़ भाग रही है। मीडिया पर भी कहीं कहीं पर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन मिला जुला कर बहराइच के महाराजगंज पे हालात खराब बने हुए हैं। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सड़क से हटने को तैयार नहीं है। हिंसा लगातार हो रही है, आगजनी लगातार हो रही है, गाड़ियों में, दुकानों में, शोरूम में आग लगाई जा रही है, और इसके चलते महाराजगंज में स्थिति अभी भी तनावग्रस्त है। हालांकि सरकार और पुलिस कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री रात से ही घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और कड़े एक्शन के निर्देश दिए गए हैं, उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों का गुस्सा चरम पर है और वो गुस्सा सड़कों, गाड़ियों, दुकानों और बाइकों में नजर आ रहा है, शोरूम्स में नजर आ रहा है, और इसीलिए इस हिंसा को लोग सड़कों पर अंजाम दे रहे हैं। तो विपिन चौबे लगातार इस कवरेज के साथ बने हुए हैं, वर्तमान स्थिति बता रहे हैं, इस वक्त हालात क्या हैं बहराइच में ये बता रहे हैं। और विपिन चौबे ने कुछ देर पहले मृतक रामगोपाल मिश्रा की मां और पत्नी से बातचीत की है, सुनिए उनका क्या कुछ कहना। माता जी, आपके बेटे को कल मार दिया गया, शव आ गया है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा लड़का बन कर कह दो, हमारे लग जाओ, हम बड़े दुखी हैं, हमारा लड़का जवान मर गया रहा है, एक बूढ़ी गवा रहा है, ये दो लड़का मार रहा है, ये जाने हो। आप बहन हैं रामगोपाल जी, 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 अच्छा, जी, कल क्या हुआ था, क्या कह के निकले थे? कल सर हम घर पर, हम ससुराल मिलते, कल मूर्ति विसर्जन के लिए हमारे यहाँ
शिव मंदिर बहुत कर रहा है रेहुआ मंसूर में, वहाँ पर भंडारा चल रहा, भागवत चल रही थी, भंडारा वो खाना बना रहा था, इसके बाद बोला मैं मूर्ति विसर्जन में जा रहा हूँ। मैंने बोल मेरे यहाँ फोन किया, मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ भी विसर्जन होता है। फिर सारे साथियों के साथ वो यहाँ से चला, गाँव में मूर्ति भी रखी गई थी, वहाँ से आया, उन लोगों ने पथराव किया मूर्ति पर, उसमें लाठी डंडा चलने लगे, इसके बाद उसको घर में अपने घसीट करके ले गए और सर कम से कम 24 गोलियां मारी है। उन न्यायाधीश क्यों बने बैठे हैं? वो मुख्यमंत्री क्यों हमारे भाई है, वो हमारे बाप है, जैसा चाहे वो नहीं करेगा, बुलडोजर चलवाए। तो परिवार में मातम पसरा हुआ है, परिवार बिलख रहा है। जिस युवक की मौत हुई थी उसके बाद परिवार सदमे में है, आपने देखा। और एक बड़ी खबर ये है कि अब परिवार राजी हो गया है अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया। इससे पहले तक शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं वो परिजनों से मिले हैं। विपिन और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विपिन, अब परिवार तैयार हो गया है अंतिम संस्कार के लिए, तो क्या ये माने कि आगे थोड़े हालात काबू में करने की कोशिश पुलिस कर लेगी? प्लीज़ ज़रा निधि अपना सवाल दोहराया, क्योंकि इंटरनेट को बंद करने की खबरें आ रही हैं। इस बीच बहुत मुश्किल से नेटवर्क मिला है जब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। जी विपिन, आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे विपिन? परिवार राजी हो गया है अंतिम संस्कार के लिए? जहाँ तक आपके सवाल को समझाऊँ, ये बता सकता हूँ कि हालात में देखिए लखनऊ से नज़र बनाई गई है, मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बात की है, तमाम अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया है, नज़र रखी जा रही है, लखनऊ से कुछ अधिकारी भी भेजे गए हैं और ये कहा गया है कि तत्काल हालात पर काबू करिए वरना बड़ा एक्शन होगा। और इसके बाद वो अधिकारी जो सुबह एक जगह जमा होकर भीड़ को प्यार से समझा रहे थे वो एक्शन में नजर आए हैं, और एक्शन में नजर आने के बाद हालात अब काबू में है। हालांकि जो आग लगे थे वो आग लगा हुआ है, और आप समझिए कि भीड़ बेकाबू जो थी उसको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज किया गया है, कुछ लोगों की पिटाई भी की गई है और कुछ और इस बीच अपडेट्स भी आ रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि हालात फिलहाल थम गए हैं, चिंताजनक जरूर है लेकिन अभी काबू में है। और एसपी, डीएम, कमिश्नर, एडीजी, डीआईजी से लेकर तमाम अधिकारी कॉम्बिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा है। फिलहाल हालात को काबू में कर लिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से नजर बनाए हुए तत्काल अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं और एक्शन में आने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वक्त पैनी निगाह बनाकर रखे हुए, जैसा कि विपिन एक एक अपडेट वहां से दे रहे हैं। एक और अपडेट जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, परिवार तैयार हो गया अंतिम संस्कार के लिए, तो हालात अब तेजी से सुधरेंगे, शांतिपूर्ण बढ़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और कुछ देर पहले TV9 से बोली है बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला, विपिन चौबे ही बात कर रहे थे, हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, ये एसपी का कहना है। एसपी और डीएम मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से मुआयना कर रहे हैं, हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। इन गाड़ियों में तमाम ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस गाड़ी में डीएम और एसपी मौजूद हैं जो अब उन हिंसाग्रस्त इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा है। शव का अंतिम संस्कार कराना प्रायोरिटी है, भीड़ को समझाना प्रायोरिटी है और लोगों को काबू में करना। मैम कुछ बात करेंगी, कैसे हालात है, क्या कंट्रोल में किए जा रहे हैं, जल्दी कंट्रोल हो जाए। मैम, वृंदा मैम, आपने अनाउंसमेंट कई सारी की है, पुलिस का रिस्पांस टाइम कैसा रहा, कैसे कंट्रोल हुआ, कैसे तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं? तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं। सुबह बहुत एक्शन के मूड में पुलिस नहीं नजर आई मैम, कर रहे ठीक है। ये देखिए दो महिला अधिकारी जिसमें वृंदा शुक्ला जो एसपी है बहराइच की वो गाड़ी में मौजूद थी, इसके अलावा डीएम यहाँ पर थी। तो एसपी वृंदा शुक्ला को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा क्विक रिस्पांस टीम मौजूद है। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, जो विपिन बता रहे थे कुछ देर पहले, इंटरनेट सेवा बंद करने की खबरें हैं ताकि कोई अफवाह ना फैले। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि यहाँ पर अफवाह के आधार पर ही इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई और आगजनी करना शुरू कर दिया। हिंसा को लेकर डीजीपी से सीएम की बातचीत हो रही है और हालात पर काबू करने की कोशिश हो रही है, हालात पर नजर है बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की, और टॉप जो अधिकारी हैं सरकार के वो लगातार हालात पर नजर बना के रखे हुए हैं। और विपिन जो जानकारी दे रहे हैं, विपिन अगर आप सुन पा रहे हैं, तो जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि इंटरनेट सेवा बाधित करने की कोशिश हुई है क्योंकि अफवाह ना फैल सके, ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। देखिए अब एक्शन में सरकार से लेकर शासन और प्रशासन तीनों नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के एक्टिव होने के बाद कल रात से ही मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट करके ये बताया गया कि मैंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और आपको ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो नजीर बन सके। लेकिन सुबह पुलिस सुस्त थी,
शासन और प्रशासन सुस्त था उसका फायदा हिंसा करने वाली भीड़ ने उठाया और उस इलाके में पहुंच गए जहां किसी को सुबह जाने की इजाजत नहीं थी। भीड़ ने पुलिस के घेरे को तोड़ा, जबरन भीड़ आगे बढ़ती गई, पुलिस रोकने में नाकामयाब रही और पहले से यह आरोप लगाया जा रहा है कि SP वृंदा शुक्ला की कार्यशैली ठीक नहीं है, हालात को काबू में नहीं कर पा रही है, जिला उनसे नहीं संभल रहा है और ये जो आज एक्शन हुआ है, आज जो हिंसा हुई है, इस खबर पर मुहर भी लगाती है, जिसके बाद ये बहराइच का महाराजगंज जिला का बुरी तरह से जल उठा। दर्जनों दुकानों में मैंने अपनी आंखों से लूट करते हुए लोगों को देखा, आग लगाते हुए देखा, हिंसा करते हुए देखा, मारपीट करते हुए देखा, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी थी। आखिरकार मुख्यमंत्री को एक्शन में आना पड़ा, DGP को अपने आवास पर बुलाना पड़ा, ADGC से बात करनी पड़ी और तमाम अधिकारियों को लखनऊ से बहराइच रवाना करना पड़ा और इस निर्देश के साथ कि कुछ भी करो बहराइच को जलने से बचाओ। अब बहराइच में हालात सामान्य हैं, DMSP, ADG, कमिश्नर, DIG समेत तमाम अधिकारी अब ऑपरेशन में लगे हुए हैं और ये तमाम गाड़ियां आपको उस तरफ नजर आ रही है, उस तरफ उस दिशा में जाती हुई नजर आ रही हैं जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं या फिर जहां पर इस वक्त भीड़ जमा है। बहुत बड़ी तादाद में निधि पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, लेकिन ढाक की तीन बात, पुलिस को एक्शन लेने की परमिशन नहीं थी और यही वजह है कि महाराजगंज का वो इलाका जो कल रात से हिंसाग्रस्त था वो इलाका एक बार फिर से जला है। पहले तो कल गलती की गई जब आपको पता था कि ये सेंसिटिव जोन है, वहां से आपने मूर्ति को निकालने की अगर अनुमति दी तो आपको सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करने चाहिए थे, लोगों को मनाना, समझाना, पीस कमेटीज की मीटिंग करनी चाहिए थी। इन तमाम चीजों की लैग दिखी जिसकी वजह से हिंसा हुई, एक शख्स की मौत हुई और उसके बाद से लेकर अब तक बहराई जल रहा था। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में अधिकारी, पुलिसकर्मी, PAC इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और हिंसाग्रस्त इलाकों में आगे बढ़ते हुए दौरा करके समझाने मनाने की कोशिश और साफ निर्देश कि अगर गोली चलानी है तो गोली चलाओ, टीयर गैस चलाना है तो टीयर गैस चलाओ, लाठी चार्ज करना है तो लाठी चार्ज करो, लेकिन हालात मुझे काबू में चाहिए। और खुद अपनी पुलिस को वृंदा शुक्ला कैमरे के सामने डांटती हुई नजर आई और ये कहती नजर आई कि पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत स्लो है, आप उन लोगों से कैसे डर सकते हैं जिनके हाथों में ईंटें हैं, आपके हाथों में बंदूकें हैं, लाठियां हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए और कोई भी कानून तोड़ता अगर नजर आए तो उन पर आप एक्शन लीजिए, जिसके बाद अब हालात समान हुए हैं। हालांकि जगह जगह काला धुआं उठता नजर आ रहा है, बहराइच का महाराजगंज इलाका अब भी सुलग रहा है, इसको शांत करने की पूरी कोशिश लखनऊ से लेकर बहराइच तक की जा रही है। तो सुबह से लगातार विपिन चौबे हमें एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त हैं। पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हालात को काबू में कर लिया जाए और शांति आगे बढ़ाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन, ये तस्वीरें दिखाने के लिए, हालात इस वक्त के बताने के लिए।